बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फोर क्लास हमारा पेज नंबर 26 के ऊपर टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का। आप लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हो, पेज नंबर 26 के ऊपर उसने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन में उसने फोर डिजिट्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, टू डिजिट्स वैल्यू को। हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन की सिर्फ डिमांड को आप लोग समझिएगा कि वो डिमांड करता क्या है। आपसे वो कह सकता है कि मल्टीप्लाई, एक सिंपल उसी तरह उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है कि मल्टीप्लाई करवाएं इसको इसके साथ, या इस क्वेश्चन को वो किसी और मेथड से भी पूछ सकता है आपसे। अगर वो इस मेथड से पूछे तो आपने परेशान नहीं होना कि ये उसने क्या चीज़ पूछ ली है। वो आपसे कह सकता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। दो नंबर दिए हुए होंगे, उसने कहा होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो। अब ये प्रोडक्ट सुन के आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि ये प्रोडक्ट है क्या। बेसिकली एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, इन सब के एक शॉर्टकट नेम्स भी होते हैं। अब एडिशन है, एडिशन वाले क्वेश्चन में आपने हो सकता है पढ़ा हो कि फाइंड द सम ऑफ, अब ये सम क्या होता है। या सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, उसमें उसने पूछा होगा फाइंड द डिफरेंस, अब ये डिफरेंस क्या है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में उसने पूछा होगा कि फाइंड द प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट क्या है। ये सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, ये सारे के सारे नेम जो होते हैं ना, ये जो हमारे पास वैल्यू को ऑपरेटर को सॉल्व करने से आंसर निकलता है उनके नाम है। दो वैल्यू को ऐड करने से अगर आंसर निकले उसका नाम सम होगा, दो वैल्यू को माइनस करने से जो आंसर निकले उसको डिफरेंस कहेंगे। सेम ऐसे ही जिनको मल्टीप्लाई करवाने से जो आंसर निकले उसका नाम प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट से आपने परेशान नहीं होना, प्रोडक्ट फाइंड करना है मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर निकलेगा वो हमारे पास प्रोडक्ट कहलाता है। तो सिंपल उसने वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन नंबर वन है उसका ए वाला पार्ट है 7436 को मल्टीप्लाई करवाना है 25 के साथ। सिंपल मल्टीप्लिकेशन अगर टेबल आपको अच्छी तरह से आते हैं तो क्वेश्चन भी आपके अच्छी तरह से हो जाएंगे। अगर टेबल आपको नहीं आते तो ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई भी आप लोग नहीं करवा सकोगे। यानी 5 6 आर 30, 0 लगाएंगे 3 कैरी, 5 3 आर 15 15 प्लस 3, ये कैरी जो हमने किया था वो ऐड कर देंगे, 3 18 8 लगाएंगे और 1 यहां पे ले जाएंगे, कैरी कर लेंगे, 5 4 आर 20 20 और 1 21 1 लगा के 2 कैरी, 5 7 आर 35 35 प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा 37। अब यहाँ पे क्रॉस लगा लेंगे, सेकंड वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तीसरी आ जाएगी तो अगले स्टेप में 2 क्रॉस लगाएंगे, चौथी आ जाएगी तो अगले सब्जेक्ट में हम इसके 3 क्रॉस लगाएंगे। अब सेकंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 6 आर 12 2 लगाएं, और ये जो ऊपर वाले हैं इसको मैं रेज करके दोबारा लिख लेता हूँ, नए वाले 2 3 आर 2 6 आर 12 2 लगाएं, 1 कैरी, 2 3 आर 6 और 1 7 2 4 आर 8 2 7 आर 14। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 0 8 और 2 10, 0 लगाएंगे, 1 इसमें कैरी, 7 और 1 8 और 1 9 8 और 7 15, 1 कैरी, 4 प्लस 3 7 और 1 8 और ये 1, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, अब ये हमारे पास प्रोडक्ट कहलाएगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लें, हमारे पास जो है 2470 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। 400, आपके पास कोई भी वैल्यू हो, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करवाओ, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाओ, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाओ, 9 को मल्टीप्लाई करवाओ 0 से, वो आंसर उसका 0 ही आएगा। 4 7s are 28, 2 कैरी, 4 4s are 16 16 प्लस 2 18, 1 कैरी, 4 2s are 8 8 और 1 9, एक क्रॉस लगाएंगे, 6 multiply 0, इसका आंसर 0 आ जाएगा। 6 7s are 42, 2 लगाएंगे, 4 कैरी, 6 4s are 24 24 plus 4 28, 2 कैरी, 6 2s are 12 और 2 14, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। 8 plus 0, अब ये भी है, आपने 0 को 0 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दो आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दो वो आंसर वही देगा, वो नंबर वही रहेगा। तो 8 plus 0 8 8 plus 2 10, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 8 18, 1 कैरी, 4 और 1 5, और ये मान वैसे ही आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 9705 विद एंड 67,
तो ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है, हमने सिंपल ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करवा के जो एंड पे आंसर निकलेगा वो हमारे पास क्या निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा। तो आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे अपने नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आपने वो क्वेश्चन हमसे डिस्कस कर लेना है, तो इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपको दोबारा समझा देंगे। एक काम आपने करना है, क्वेश्चन नंबर वन के जितने पार्ट सॉल्व करोगे उनका जब आंसर निकलेगा आपने उसको एक रिप्रेजेंट कर देना है कि ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो आंसर निकलता है वो प्रोडक्ट निकलेगा। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी आंसर निकलेगा आपने उसको रिप्रेजेंट करना है कि ये क्या है, प्रोडक्ट है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपको दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।